फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एनएसए अजीत डोवल का अग्निपथ पर पहला इंटरव्यू। वेरी गुड। तो अगर आपको पता है कि हमने जब पहला वीडियो किया था उसमें कई लोग थे कि जिन्होंने कमेंट्स में बोला था नहीं ये तो गलत है। हम तो हैरान थे क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ गलत लगा नहीं था उसमें, तो समझ नहीं आई। और उसके बाद इतनी न्यूज आ रही थी कि इंडिया के अंदर इतनी मतलब वॉयलेंट सिचुएशन हो गई है कि जो यूथ हैं कई वो सड़कों पे आके जो है वो इतना मतलब डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ट्रेनों पे आग लगा रहे हैं और इस टाइप का काम कर रहे हैं। तो हमें तो समझ नहीं आ रही थी क्यों। और बेसिकली ये लग रहा था उनको ये है कि भी हमें पेंशन दो, और दूसरा मुझे लग रहा था उनको ये प्रॉब्लम है कि हमें परमानेंट चाहिए पूरा। तो भाई वो आप अपना फायदा देख रहे हो, इट इज नॉट, आप उसको एक नौकरी की तरह देख रहे हो। वहां पे जो आर्मी में ज्वाइन कर रहा है मेरे हिसाब से वो आपके लिए नौकरी नहीं, आपके लिए वो देशभक्ति है। आप अपनी देश के लिए देना चाहते हो कुछ टाइम या अपनी जिंदगी। तो एक जो उस एंगल से सोच रहा है कि भैया मैंने इसको एज अ जॉब करना है, वो तो वैसी फिट नहीं है कि आप एयरफोर्स आर्मी या नेवी में जाओ। जिसको अपने देश के लिए करना है वो पैसे का नहीं सोचेगा, वो पेंशन का नहीं सोचेगा, और वो दूसरा ये नहीं सोचेगा कि मेरी जिंदगी भर की ये नौकरी बन गई। तो कंट्री को वैसे लोग नहीं चाहिए, मेरा सोचना तो ये है। पर देख के दुख हुआ था कि किस तरह से इतना हो रहा था। अब देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Thank you very much for speaking with us, Mr. Doval. You have given several speeches in seminars and conferences, but this is your first sit-down interview as such, on a question-answer session. So there are many questions that I have, but I understand there's a time constraint. And so I will get straight to the point on the Agnipath scheme. Was there any need to tinker with a scheme which has been working with a process of recruitment and a system of hierarchy which has been in place for so long? Well, thank you very much for this interview. I'm grateful to you, and it's a very contemporary subject which is needs to be deliberated and discussed. Well, I'll tell you, firstly, we must understand security is a very dynamic concept. It cannot remain static. Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see, the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. Jo hum kal kar rahe the, wahi bhavishya mein bhi karte rahein, to hum surakshit rahenge, ye संभव Very नहीं nice, yes. यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो एनवायरनमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। दूसरा, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए परस्पेक्टिव। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग, एंड दैट रिक्वायर्ड मेनी एवेन्यूज, दैट रिक्वायर्ड मेनी स्टेप्स, मल्टीट्यूड ऑफ देम। ब्रॉडली स्पीकिंग दे कम अंडर द फोर हेड्स। इट रिक्वायर्स इक्विपमेंट, इट रिक्वायर्स चेंज इन सिस्टम्स and structures, it requires change in technology, it requires change in manpower, policies, and they have got to be futuristic. Kal aur bhavishya ki taraf dekhte hue hamare ko in charon kshetron mein apni pragati karni hai. Aapne dekha hoga, agar aap pichle 8 saalon ke andar mein dekhen to structural and systematic changes bahut sare hue hain. Maan liya jaye ki CDS ka wo tha, pichle 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हमारे यहाँ
साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे. डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था. डिफेंस स्पेस एजेंसी का, आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी की अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी. जो ना बोल रहे थे ना, उनको ये जरूर देखनी चाहिए वीडियो. वो है. इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम एंड स्ट्रक्चर भी चेंज किए. दूसरा जो क्षेत्र था जो है इक्विपमेंट का. आज हम, आपने देखा होगा सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के वेपन्स. हमारे पास में जो असॉल्ट राइफल थी जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे 7.62, वो शायद इतनी कारगर नहीं थी. अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है भारत में बनी हुई AK-203 के साथ. ये एक बहुत ही कामगर और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट असॉल्ट राइफल्स होगी. इसी प्रकार से अगर हम देखें, चाहे वो पनडुब्बियों के क्षेत्र में है, चाहे वो पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द सोल्जर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हैं, हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका का हम निर्माण कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत प्रगति की जा रही है. और एक है टेक्नोलॉजी का फील्ड जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है. इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है. वी नीड द टॉप साइंटिस्ट हु आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन अदर्स. देखिए इस सरकार के टाइम के ऊपर में अंतरिक्ष के अंदर में जो बड़े और नए संकट आए, सारे का सारा वारफेयर जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल होगा. आपका जो हवाई जहाज चलेगा या आपके जो रडार्स काम करेंगे वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कंट्रोल होंगे. अर्मी वीर जो है उनकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 या 3 महीने की होगी. मतलब आर्मी चीफ ने कहा है दैट बाई दिसंबर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी. ये कहाँ से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं रेडार या सबमरीन के लिए? How will you train them इतनी जल्दी? मैं आपको इस पॉइंट पर आता हूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको अभी बताता हूँ. बट आई जस्ट टेल यू एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डन अ ग्रेट दिस थिंग. वी हैव गॉट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वी हैव गॉट एमका, वी हैव गॉट सबमरीन्स दैट वी हैव मेड, वी हैव बीन द न्यूक्लियर सबमरीन्स दैट वी हैव लॉन्च, एंड वी ऑल्सो बिकेम अ स्पेस पावर. वी हैव हिट एट द सैटेलाइट्स. एंड द फोर्थ pedestal of it is the manpower reorganization. Now in the manpower reorganization, the point that you have raised was that is we must have a young, agile, fit, well-trained army. Okay. It is a contradiction. It's a paradox. कि भारत का वो देश जिसकी सबसे young population है उसकी एक oldest army है. जहाँ पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है. तो हमें इसे उसको ठीक करना था. अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का, टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स. विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अग्निवीर विल नेवर कंस्टिट्यूट द होल आर्मी. अग्निवीर केवल पहले 4 साल में रिक्रूटेड जवान होंगे. बाकी लोग जो होंगे जिनका कि प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा होगा वो अनुभवी होंगे. दे विल बी एक्सपीरियंस, दे विल बी ट्रेन्ड एंड अदर. एंड दीज अग्निवीर, दोज हु बिकम द रेगुलर्स इवेंचुअली विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग, विल एक्वायर द एक्सपीरियंस, विल बिकम मोर बैटल वर्दी एंड मोर एक्सपीरियंसड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो इंडियन आर्मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु दो रिक्रूटेड एज अग्निवीर बट हैड बीन स्पेशली सेलेक्टेड फॉर देयर सुटेबिलिटी, फॉर देयर फिटनेस, फॉर देयर एजिलिटी, फॉर देयर motivation and for the aptitude for the job, and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life. So these persons will be well trained. So it is not only that the Indian army will be having only this component. Yeah. Yes, Indian army will constitute at the level of the jawans and the ORs who had been recruited through the process of Agnivis, specially selected, whose work, whose performance has been monitored and digitally monitored through various complex processes over a long period of time. Selection is one part.
Even when you select people who are physically fit and others, it's a very small this thing. But when you observe them over a longer period of time, we are able to see that what sort of material do we have which will make the ideal soldier for the future. Imagine the army of 15 years in which all those who have been recruited have come through the special 4 years probation period and then gone and joined the army. See their technical skills, see the motivation, physical fitness and others. They will all be the people who will probably the cream of the Indian Army. Right. So my first question will be, I will go later into those who are not being amalgamated, but first about those who are going to be amalgamated into the service. There's already a system of your regiments and corps. Will it not demotivate somebody who has gone through the NDA, who's gone through the rigorous training process earlier, and then they'll see them as Johnny come latelys, abhi aaye hain, abhi fauj mein ghus gaye, and they're already getting the benefits that we were getting, but we had to put in so much more hard work. So will it cause a disruption, and will they be seen as lesser soldiers? Dekhiye, sena mein jaane wala har recruit fresh hota hai. चाहे वो रेगुलर में जाए, चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए, चाहे ऐसे 15 साल पहले जाता था, उसकी भी पहले 1 महीने की सर्विस होती है, फिर 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है. वो शुरू नहीं होता है 15 साल की या 12 साल की सर्विस के साथ. एक बात, जहाँ तक रेजिमेंट्स का सवाल है, इसमें दो बातें समझनी चाहिए. ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है, इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है. अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी, आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट्स रहेंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं. ये जो रेजिमेंटल कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है. पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं, सिर्फ 2 या 3 हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं. और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है. अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो, और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए. उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था. देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई? आज़ाद हिंद फौज की तरीके से, व्हेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी. क्या था उसका? 60,000 की फौज थी. कोई रेजिमेंट थी इनकी? थी रेजिमेंट. इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट. इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट. नॉट एन अहीर और राजपूत और ये नहीं थी. और कितना सैक्रिफाइस किया इन्होंने? 60,000 में से 40,000 मारे गए. इतना एट्रिशन हुआ था. दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतने एट्रिशन एंड कैजुअल्टीज नहीं हुई है जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं. वो किसके लिए लड़ रहे थे? उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या? उनके लिए वो नहीं था? वो भारत के लिए लड़ रहे थे. They were the soldiers of India. They called themselves the Indian National Army. But so do the regiments here, right? That's now. That's right. So they will continue. Those will continue. That's what I'm telling you. They will have the nomenclature. There will be the regiment of this. I do not know how this concept has come, that anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos. Uska apna tradition hoga. Agar koi ek battalion hai, uski apna ek valor hai, uski apni ek history hai, to wo hamesha barkarar rahega aur usme badhotri hoti jayegi. मैं अब इसका और हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का. इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम ख़त्म हो गया. रेजिमेंटल सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ. इन्फेंट्री रहेगी, आर्टिलरी रहेगी, आर्मर्ड कोर रहेगा, सिग्नल्स रहेंगे, इन्फेंट्री के अंदर ग्रेनेडियर्स हैं, गार्ड्स हैं, रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है. रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स में किसका जाति के लोग हैं? कितना स्प्लेंडेड वो है उनका. ग्रेनेडियर्स है, उसमें किस जाति के या धर्म के क्षेत्र के लोग हैं? हमारे जो परमवीर चक्र जो है, जब उनको मिला तो ये ग्रेनेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं. तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक, हर यूथ, हर युवा, एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज गॉट ए डिजायर एंड मोटिवेशन and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. His youth, his energy, his talent is plowed towards making this country strong and impregnably defendable. What happens after those 4 years are over and they don't find space in the services?
एंड दे डोंट फाइंड स्पेस इन द पैरामिलिट्री. बिकॉज द रीजन आई एम आस्किंग इज कुछ लूज कॉमेंट्स आए हैं कि वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं. तो फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन कर लीजिए या डर है लोगों में कि हाउ विल दे कम, हाउ विल दे बी बेटर ऑफ आफ्टर द फोर ईयर्स, विल दे हैव अ स्किल सेट विच इज मार्केट फ्रेंडली, विच दे कैन गेट जॉब्स. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड आइदर डेलिबरेटली और बाय लैक ऑफ फुल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट ए यंग मैन who is 22 or 23 years old, has done 4 years of service and now he's in the market. Compare him with any other 21, 22 years old man who has not become Agnivir. This man, this person has got, he has become disciplined. He has got the capability to work in a team. He has learned skills. He has got, developed the confidence and he is trainable. His mind and his vision, he has got an all-India perspective. So he is much more equipped to face the society. On top of it, he has been given a qualification that will be plus two. That makes him comparable with any other person plus. In his age group to which the others are joining. So there is no avenue that has been debarred or closed for him. Iske liye wo saare raaste khule hain. उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है, उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है. आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में 24-25 साल 26 साल होती है. देखिए आज हम उस ज़माने में हमारे एज स्पैन के साथ में 1 life 2 careers की बात करते हैं, अब तो लोग 1 life 3 careers की बात करते हैं. कंपेयर करें यही आदमी अगर 15 साल के बाद जाता तो 32-33-34 साल का होता. इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है, उसकी एज जितनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए क्योंकि अभी उसकी शादी हुई 3-4 साल हुए हैं, अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है, कोई लड़की होगी तो वो भी 15-20 साल के बाद शादी के लायक होगी, उसके पास में जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ हैं. पहले का ज़माना फ़र्क था. किस ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था. गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पे गुजारा हो जाता था. आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता तो उसको सेकंड करियर की आवश्यकता होती है. 34 साल के बाद में इसका 40 साल का जीवन अभी और बचा हुआ है. इस 40 साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्व करें तो वो एक नए करियर की नई शुरुआत नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है. तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि अगर वो 4 साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनका बैकग्राउंड, उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है. उसके बाद उनके पास में एजुकेशन भी है और ये टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि 10% CPMFs में होंगे, डिफेंस फोर्सेस के अंदर में जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है, बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके उसमें अंदर में आती हैं, डिफेंस सर्विस कोर है और जो उसके अंदर में और काफ़ी मिनिस्ट्री का है. अब देखिए यह 10% अग्निवीर का नहीं है, ये 10% उनके यहाँ भर्ती होने वाले लोगों की हैं. तो अगर फर्ज कर लीजिए कि CPMF की भर्ती 40,000 या 50,000 की है तो उसमें 5,000 जाएंगे. यह 10% अगर जो उनके 3,000 या 4,000 लोग या 5,000 लोग जो है वो उनके जो उसका 10% नहीं होगा ये इन नहीं. अब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की प्रगति हो रही है. पहला आदमी अग्निवीर जब रिटायर होगा तो असर 5 साल के बाद में होगा. उस वक्त भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी. प्राइवेट सेक्टर एक नई गति और नई दिशा के साथ में आगे बढ़ेगा. डिफेंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से बढ़ रही हैं बहुत सारे ऐसे काम होंगे. डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर में जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, उनको लोगों को ये लोग चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हों, ट्रेनेबल हों और जिनके साथ जिनको जिनके पास में उम्र हो. इनका सबसे बड़ा एसेट है इनकी उम्र कि ये अभी भी यंग है. इस साल इस उम्र में कई लोग अभी भी अगर हम जाए पॉलिटेक्निक के अंदर में लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं
तो उनमें से कई लोग 22, 21, 22, 23 साल के होते हैं, 2 साल 3 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद वो अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग जाए, कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, 2 साल का कंप्यूटर का कोर्स करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतने वो हैं, तो इनके लिए स्थान ज़्यादा होंगे, इनका भविष्य टोटली सुरक्षित है और इनको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास में 22 साल की उम्र है, इनके पास में 4 साल देश की सेवा करने का एक सर्टिफिकेट है, इनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक वो है, और उसके अलावा इनके पास में एक ऐसी धनराशि भी है जिससे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी इनकी इनकम्बेंसीज नहीं है, अभी इनके परिवार नहीं है, जो ट्रेनिंग के लिए चाहे तो कोई मद्रास जाना चाहता है, कोई कश्मीर जाना चाहता है, कहीं भी जा सकता है, वो मोबाइल है। जब वो 34 साल की उम्र में आप उसको भेजते हैं, उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि ना तो वो घर बैठ सकता है, ना उन्होंने ऐसी जगह पे जा सकता, वो अपने अपने क्षेत्र से बाहर भी नहीं जा सकता। आई गेट दैट अबाउट यू नो कि जब वो बाहर निकलते हैं, नाउ द थिंग इज दैट आप खुद गाँव से हैं सर, यू आर अ सन ऑफ an army person, you have worn the military uniform, the police uniform, you've been awarded the Kirti Chakra, a military honor for a policeman. You understand that when you go back to the village, the respect that a uniform gets. Now many in the villages are saying ki ye 4 saal ke chokre bahar nikal ke aayenge, they will not be given the same respect, that vardi will not have the same honor, the respect that it had, because it doesn't carry with it the weight of national service over decades. मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल पूरा भ्रम है। गांव के अंदर में अभी भी इनकी उतनी प्रतिष्ठा और इज्जत और सम्मान होगा, गांव में नहीं, गांव के बाहर भी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इतना मिसकंसेप्शंस और गलत इन्फॉर्मेशंस लोग बच्चों को या जो यंगस्टर्स हैं उनको दी जा रही हैं। इसमें जो है अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये क्लियर नहीं है कि क्या ये ऑफिसर लेवल के लिए है कि नहीं, नहीं। ऑफिसर लेवल के लिए नहीं है जहां तक मुझे पता है, तो क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि 4 साल बाद जो बच्चा यहाँ से आ रहा है वो बेटर ऑफ है देन समबडी एल्स, वो किस पर्सपेक्टिव से क्लियर नहीं हो रहा। अगर कोई जवान टाइप, अगर कोई बंदा है 4 साल इंजीनियरिंग करता है, 4 साल MBBS करता है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा पीछे हो जाएगा देन अग्निवीर। मेरे ख्याल से मुझे तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या है। जब ये 4 साल होंगे उसमें क्या एजुकेशन दी जाएगी? क्या वो 4 साल बाद बाहर निकलेंगे बैचलर्स डिग्री के साथ? नहीं, उसके बाद जो मेरे को ये लग रहा है उन्होंने कहा है कि जब वो निकलेंगे तो वो 12+2 बोल रहे, तो मेरे को लगता है 12वीं पास माने जाएंगे कि उनके पास वो 12वीं पास है। और नहीं, अगर आप 12वीं पास तो 18 साल में हो जाते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल जब आप स्कूल किसी जाते हैं तो स्कूल में जहां तक मुझे पता है 18 साल में आप 12th पास हो जाते हैं। और इन लोगों ने क्या 12th पास करके ही आ रहे हैं कि बिना 12th पास? ये 17 से शुरू हुआ था, 17 ईयर से। तो ये भी तो कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पॉइंट ये है कि जब ये बच्चे जाएंगे क्या इनको एजुकेशन मिलेगी? जब ये बाहर निकलेंगे क्या बैचलर डिग्री के साथ निकलेंगे? उसके बाद जैसे वो कह रहे हैं 3 महीने बाद ही डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉय करने का मतलब है क्या ये वॉर में भी जा सकते हैं बच्चे? मतलब क्या ये वहां पे बॉर्डर पे जाएंगे वॉर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वॉर में? तो ये कुछ क्लैरिटी नहीं है कि रोल क्या होगा। सकता आगे ये सब पता चले, वही मतलब रोल क्या है, क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन करना चाहिए कि बच्चे गए 3 महीने बाद डिप्लॉय करेंगे, तो 3 महीने में कहां डिप्लॉय करेंगे? वॉर में डिप्लॉय भी हो सकते हैं कि नहीं, और दूसरी एक्टिविटीज में होंगे? दूसरी एक्टिविटीज में तो ओके फाइन, कि वॉर के लिए भी रेडी नहीं है, दूसरी एक्टिविटीज में जाइए। उसके बाद जब ये 4 साल बाद निकलेंगे तो क्या इनको कोई एजुकेशन डिग्री मिलेगी जो दिखा सके भाई हमारी, जब और लोग पढ़ रहे हैं हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं और ये हमारी डिग्री है? नहीं, मेरे ख्याल से एजुकेशन डिग्री नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं जो एक्सपीरियंस और जो ट्रेनिंग और जो डिसिप्लिन आप यहाँ पे सीख रहे हो आर्मी में, वो आपकी, क्योंकि फिर वो ये बोल रहे हैं कि वो लोग हैं जो ऑफिसर नहीं बनना चाहते। ये ऑफिसर्स नहीं है, ऑफिसर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि, तो ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि एक कोई बच्चा है वो मान लीजिए पढ़ाई करता है, मान लीजिए बीए करता है, BSc करता है, BCom करता है, इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है, कुछ भी करता है, वो बेटर है कि ये बेटर है? फिर इससे पॉइंट सीधा आता है, देखो बॉस ये उन लोगों के लिए जो इतने मोटिवेटेड हैं जिन्होंने देश के लिए ही काम करना है, तो वहां पे आपने कट कर दिया, आपने बोलेंगे ये उन लोगों के लिए है ही नहीं, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें जो है आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, हमें देश की सेवा करनी, हम जाना चाहते हैं, एग्री। तो आप गए तो वो क्लियर हो गया वाला पार्ट पूरा, क्योंकि वो बोलेंगे उनका उनका कोई है ही नहीं इंटरेस्ट, मतलब BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है डिफेंस में,
तो ठीक है ये क्लियर हो गया, आप डिफेंस में जा रहे हैं, अब 3 महीने बाद आप डिप्लॉय करेंगे वॉर में कि नहीं, हो सकता है उनका आंसर है नहीं, 3 महीने बाद आप वॉर पे नहीं जाएंगे, आर्मी के अंदर ही सपोर्ट करेंगे, तो वो भी ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब वो बाहर आएंगे 4 साल के बाद तो उनके पास ज्यादा इज्जत होगी, मगर पॉइंट ये 4 साल में जो इंसान बीएससी बीकॉम ये नहीं करता तो वो क्या करता है 4 साल में मुझे नहीं पता, राइट तो ये तो डिटेल और करने पड़ेंगे कि किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। अगर उस उसमें मतलब यही कंफ्यूजन है कि उस अगर मान लो कोई इंसान अग्नि इस अग्निपथ के प्रोग्राम में नहीं जाता तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या करता है वो बताओ भैया, और अगर अग्निपथ ना होता तो उसके पास ऑल्टरनेटिव क्या करता था उसने, अगर ऐसा कोई हो कि उसने कुछ नहीं करना था घर में बैठना था ये करना था तो बोलेंगे हाँ ठीक है फिर अग्निपथ इज बेटर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, मगर अगर वो आप कहते नहीं उसके बदले वो बच्चा जो है बीए बीकॉम बीएससी कर सकता था इंजीनियरिंग कर सकता था मेडिकल कर सकता था आईएएस कर सकता था कि पढ़ाई कर जो भी कर सकता था तो वो दूसरी बात। अरे ये वो लेवल के नहीं होंगे ना जो इस लेवल, मेरे को लग रहा है आईएएस वाले लेवल वाले नहीं होंगे, वो होंगे जो जवान के लेवल पे होंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो भी मुझे तो पता नहीं है कि बड़ा अगर आपको जॉब चाहिए लाइफ में राइट, तो आपको चाहते हैं कि जॉब चाहिए, जॉब जो है बिना बैचलर्स के आपको जॉब कहां से मिलेगी अगर आप कहीं पर भी जॉब। आई थिंक हमें पहले पूरा वीडियो देखना चाहिए उसके बाद हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, और तब तक इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अगर आपको आंसर्स हैं और आपने पहले ये वीडियो देख चुके हो और शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली करना, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको मिक्सअप हो रहे हैं, क्योंकि ये बैचलर्स और मास्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं इस एरिया में, और जब मुझे लग रहा है कि इस एरिया में जो कैंडिडेट्स हैं वो उस लेवल में इंटरेस्टेड शायद नहीं है। अब हो सकता है मैं भी गलत सोच रही हूँ, तो आप भी शेयर करना, पर ये पूरी वीडियो देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो पर जिस तरह से वो बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, और बताने की कोशिश ये हो रही है कि जिस टाइप से आप सोच रहे हो ऐसे लग रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन कोई फैला रहा है, या आपको कोई गलत बता रहा है, या आपको खुद ही इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आगे पूरा देखते हैं पहले, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे फिर बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि जब पूरा देखा ही नहीं तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि भैया ये। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।